बिहार तक की टीम के पास इंस्टेंट लोन ऐप्स से लोन को लेकर जब लोग शिकायत कर रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं कि ये लोन ऐप कैसे काम करते हैं और कैसे पैसे की वसूली करते हैं। अपने इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और इन ऐप्स का पूरा खेल भी बताएंगे। एक बार बिहार तक फिर से आपको कह रहा है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये जालसाज एक बार आपके फोन में घुस गए तो फिर आपको ये अपना गुलाम बना लेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है इंस्टेंट लोन ऐप्स। घर बैठे लोन देने का वादा, चंद मिनट में लोन देंगे। चंद मिनट की प्रक्रिया के बाद तुरंत 1,500 से 50,000 तक का लोन। कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगेंगे। छोटी समय सीमा का कर्ज तुरंत खाते में डालेंगे। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये इंस्टेंट लोन ऐप क्या है। अब आपको ये बता देते हैं कि कोरोना काल के दौरान भारत में इन लोन ऐप्स के जरिए कितना लेन देन हुआ है। बीते 6 महीने में इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप ने 1.4 करोड़ बार लेन देन किया है। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की लेन देन हुई है। आपको इन राशियों के लेन देन से पता चल गया होगा कि इंस्टेंट लोन के नाम पर किस तरह गोरख धंधा चल रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन इंस्टेंट लोन को लेने के बाद आपके साथ क्या क्या होगा। इंस्टेंट लोन लेने के बाद क्या होगा, समय पर अगर लोन नहीं भरा तो कई गुना पेनल्टी डालेंगे। कर्ज भरने के लिए आप दूसरे ऐप से लोन लेंगे। किश्त नहीं दी तो लोन देने वाले की फोटो सार्वजनिक करेंगे। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कर्जदार को बदनाम करेंगे। परेशान होकर कर्ज लेने वाला जान तक दे दे रहा है। हम एक जिम्मेदार चैनल हैं। हमने आपको इंस्टेंट लोन लेने वाले इन एप्स के पूरे भ्रम जाल के बारे में बताया। अब आपको एक शख्स से मिलवाते हैं और उनके साथ जो भी बीती वो सुनाते हैं। हाय, मेरा नाम आतिश है, मैं नई मुंबई से हूँ। मैं मनी लेंडिंग एप्स के स्कैम में से 3-4 से 5 महीने से मैं फंसा हूँ। ये मनी लेंडिंग ऐप आपको लोन प्रोवाइड करता है जो 5,000 से 2,00,000 तक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो मैंने 5,000 का लोन लिया था। 5,000 का लोन लेते लेते मेरा एक ऐप से मैंने 30 ऐप्स डाउनलोड करके मैंने लोन लिया था। जो मेरा लोन का अमाउंट हुआ था 2 से 2.5 लाख हुआ था। जैसे हमें जब भी हम लोग कोई ऐप से लोन लेते हैं तभी वो लोग हमें 7 डेज का और 7 to 14 डेज का ड्यूरेशन दे रहे थे। जब भी 7 डेज का ड्यूरेशन रहता था तो उन्हें हमें 4th दिन से हमें कॉल करते थे रीपेमेंट करें। नहीं, हमने रीपेमेंट टाइम पे नहीं किया तो हमें वो फोर्स करते थे व्हाट्सएप के आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के हम लोग कॉल करेंगे, आपको डिफॉल्टर बना के आपका फोटो सब जगह पे वायरल करेंगे। ऐसा करते करते हमें रीपेमेंट टाइम पे करने के लिए हमें मल्टीपल ऐप से लोन लेना पड़ा। उसकी वजह से हमारा एक ऐप से 30 ऐप तक चला गया। अभी इसमें ये प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम लोग इसमें इतना गुस्से गए थे कि हमारा एक दिन में 5-5 ऐप का लोन पेमेंट करना था। ये 5 ऐप का पेमेंट करने के लिए हमारे पास इतना अमाउंट नहीं रहता था तो हमें और 6th ऐप से हम लोग लोन लेते थे। फिर 6th-7th ऐप से लोन लेके हम लोग ये जो 5 ऐप से उनके हम लोग पेमेंट कर रहे थे। ऐसे ही सिलसिले चलते रहा 4 से 5 महीने। ये केसेस में हमें ये हो रहा था कि हमें दिन भर में 200 से 300 कॉल ऑटोमेटेड कॉल्स आते थे, व्हाट्सएप आते थे, ये हमें आने लगे। उससे हमें इतना हैरेसमेंट का लेवल बढ़ते चला गया। ये चीज़ें इतनी बढ़ी गई कि कभी कभी जब भी हम लोग कोई पेमेंट डिले करते हैं तो ये हमारे रेफरेंस हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उन पर लोग कॉल करके हमें डिफॉल्टर बोलते थे। ये सिलसिला चलता था। ये सिलसिला को मैंने कैसे ख़त्म किया था, मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड से हेल्प लेके मैंने पैसे इस सब लोन वालों के पेमेंट्स करना शुरू कर दिया। अभी ये मनी लैंडिंग ऐप का उनका जो एक तो वो एक लोग RBI नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे। RBI नॉर्म्स मतलब एक तो लोग तो प्रोसेसिंग चार्जेस 36% में प्रोसेसिंग चार्जेस लगा रहे थे और 18% GST लगा रहे थे, विच इज़ नॉट कम अंडर द RBI नॉर्म्स। दूसरा चीज़ ये था कि ये लोग रेफरेंस नंबर हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को डेटा ब्रीच कर रहे थे और ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को हमें हैरेस कर रहे थे ओवर द व्हाट्सएप ओवर द कॉल्स की। अब कॉल ये लोग हैरेस कर रहे थे कि आपने पेमेंट 12 बजे तक नहीं किया, दोपहर के 12 बजे तक आपने पेमेंट नहीं किया तो मैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करूँगा, आपको डिफॉल्टर करूँगा। कभी कोई कोई चीज़ों में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने हमारा फ़ोटो के साथ हमारा पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, हमारा एड्रेस
लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेजा कि ये डिफॉल्टर है, ऐसे ये हैरेसमेंट की वजह से हम लोग बहुत सारे ऐप से लोन लेने लगे और इनका पेमेंट करते थे। ये सिलसिला इतना चलता गया कि हमारा जो एक ऐप से मैं लोन लेता था वो एक ऐप से मेरा 30 से 35 ऐप से लोन हो गया था, और मुझे टोटल रीपेमेंट करना पड़ा। 1 लाख का मैंने लोन लिया था तो टोटल मेरा रीपेमेंट हुआ 2.5 लाख में, 2,50,000 तक मुझे रीपेमेंट करना पड़ा। और ये जो 4 से 5 महीने में हमारे मुझे जितना भी हैरेसमेंट हुआ ओवर द कॉल या ओवर द व्हाट्सएप या ओवर द ऑटोमेटेड कॉल, वो बहुत हद से बुरा था। ऐसा एक दिन था कि हमें ऐसा एक ऐप था, यू कैश नाम का एक ऐप कंपनी था, उसने तो बारात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ऑटोमेटेड कॉल सेट किए थे हर आधे आधे घंटे में। तो इस मैं सबको बताना चाहता कि ये मोबाइल लेंडिंग ऐप्स, ये कोई ऐप ये नॉट फॉलोइंग द सम ऑफ द ऐप्स, अभी कोई ऐप्स ये NBFC के साथ रजिस्टर है पर वो NBFC के नॉर्म्स फॉलो नहीं करे, कोई ऐप्स ये चाइना बेस है और ये हमें लोन प्रोवाइड करे, और ये हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट के बेस पे हमें धमका रहे और हमसे पैसे वसूल कर रहे। ये सिलसिला सब पूरा ये नेशनल क्राइम है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। इसके विक्टिम बहुत सारे इंडिया में, यानी ये बहुत बड़ा स्कैम है जो हमें कभी ना कभी तो ये ख़त्म करना ही पड़ेगा। नहीं तो अभी आज के डेट में 5 लोगों ने सुसाइड किया है, आज से 5 से 100 जन भी सुसाइड कर सकते हैं ये केसेस में। हमें इस क्राइम को, ये जो साइबर क्राइम है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करना है। ये कैसे करेंगे हम सबको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। इन ऐप्स का खेल तो अब आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इन ऐप्स को लेकर क्या कहते हैं नियम और कैसे आप बचेंगे इन ऐप्स के गोरख धंधे से। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हूं मानसी और आप देख रहे थे बिहार तक।